दोस्तों Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi Mi 6X चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है, यानी कि बोले तो Xiaomi Mi A2। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसी स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, और साथ ही मैं दूंगा आपने कुछ ओपिनियन इसी स्मार्टफोन को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे आप देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं ट्राईटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। इसमें लाया गया है 5.99 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फुल व्यू डिस्प्ले, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से। उसके बाद बात की जाए इसके इन जनरल कुछ स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें मिलेंगे देखने को आपको 3 वेरिएंट्स, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। बात की जाए इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें लगाया गया है एंड्रॉइड 8.0, तो सॉफ्टवेयर के मामले में ये फोन अपडेटेड है। और दोस्तों इस पर से ऊपर से Xiaomi के खुद की MIUI 9.5 की लेयरिंग दी गई है। लेकिन दोस्तों ये फोन जब इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा तो दोस्तों उसमें होगा स्टॉक एंड्रॉइड, यानी कि ये फोन बेस्ड होगा Xiaomi Mi A1 की ही तरह एंड्रॉइड 1 प्रोजेक्ट पे। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें लगाया गया है लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon का 660 चिपसेट, जो कि बनाया गया है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। और दोस्तों यहां पर स्पीड जो है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर पर, और यहां पर क्रायो कोर्स दिए गए हैं। और दोस्तों यहां पर एड्रिनो का 512 जीपीयू दिया गया है, ताकि गेमिंग की एक्सपीरियंस अच्छे से हो सके। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इनके कैमरा की, तो इसमें लगाया गया है डुअल रियर कैमरा, और कैमरा जो है वो Xiaomi Redmi Note 5 Pro की तरह पीछे की तरफ वर्टिकल है। यहाँ पर iPhone 10 की कॉपी टाइप की ही की गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का। यहाँ पर मेन सेंसर है वो है सोनी का IMX486, जो कि आपको Xiaomi के Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर जो अपर्चर है वो है f1.75, और जो माइक्रोन पिक्सल है वो है 2.5 माइक्रोन पिक्सल। तो यहाँ पर यहाँ जो पिक्सल साइज है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर कैमरा काफी कमाल का होने वाला है। और दोस्तों जो सेकेंडरी है वो है टेलीफोटो लेंस 20 मेगापिक्सल का, और इस फोन में आपको ऑप्टिकल 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। साथ ही में आप इसके रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी रिकॉर्ड कर सकेंगे। और दोस्तों इस बार Xiaomi ने फ्रंट कैमरा दिया है 20 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ में, और दोस्तों जो पिक्सल साइज है यहाँ पर लेंस की वो है 1.25 माइक्रोन पिक्सल। दोस्तों ऐसे में फ्रंट कैमरा भी इस बार काफी दमदार होने वाला है। और दोस्तों लो लाइट में Xiaomi Redmi Note 5 Pro से भी आपको अच्छी फोटोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपर्चर काफी बड़ा दिया गया है f1.8 का। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इसके बैटरी की, तो दोस्तों बैटरी से आप थोड़ा निराश हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस फोन के अंदर दिया गया है 2910 एमएच की बैटरी, तो इस बार Xiaomi ने Mi A1 से भी बैटरी कम कर दिया। यहाँ पर 100 mAh से भी ज्यादा बैटरी कम करी गई, क्योंकि Mi A1 में दिया गया था 3080 एमएच की बैटरी, और दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 2910 एमएच की बैटरी। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें दिया गया है USB टाइप सी पोर्ट Xiaomi Mi A1 की तरह, और इस बार आपको ऑन द बॉक्स यहाँ पर आपको क्विक चार्ज Qualcomm क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और बॉक्स में आपको ये चार्जर मौजूद मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस फोन के अंदर आपको फेस अनलॉक वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। हालांकि स्टॉक एंड्रॉइड वाले सारे फोन्स में दोस्तों फेस अनलॉक का फीचर पहले से मौजूद है, हालांकि उसके सेटिंग्स में जाकर उसे इनेबल करना होता है। और दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, बेसिक सभी तरह के आपको इसमें सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही था Xiaomi Mi 6X पैकेज। अब दोस्तों देखना है कि इंडिया में कब तक आता है। दोस्तों अगर इंडिया में ये मई महीने के एंड तक अगर आ जाए तो काफी अच्छा होगा। और दोस्तों इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो 4GB और 64GB वाले की जो प्राइसिंग है वो है 1599 UN, यानी कि तकरीबन 15,999 रुपए। और दोस्तों जो इसका लास्ट वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग होती है तकरीबन 20,000 रुपए। और दोस्तों 20,000 रुपए के अंदर में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला अगर आपको फोन मिल जाए तो काफी कमाल का ऑप्शन हो सकता है। जो प्राइसिंग है वो काफी किलर है। दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में ये फोन कब तक आता है। और दोस्तों इसके लिए अगर आप Mi A1 वाले यूजर हैं और अगर आप Xiaomi Redmi Note 5 Pro लेने का सोच रहे हैं तो आप इसके लिए वेट कीजिए, बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट बताइए कि आपको सबसे अच्छा फीचर Xiaomi Mi 6X यानी बोले तो Xiaomi Mi A2 का कौन सा लगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के देखने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।